हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी को एक नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आज बहुत ही अच्छा दिन है। हम लोग मतलब जैसे उड़ीसा वासी के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। ज़्यादातर इंसान को पता नहीं रहता है, आज है पोखाल दिवस। ये हम लोग का जो जगत का नाथ है श्री जगन्नाथ, उनका जो हमारा जो पूरी मंदिर है वहाँ पर भी आज पोखाल भात का भोग लगता है। तो ये हम लोग का उड़िया जाति के लिए बहुत गर्व का बात है। हम लोग का एक दिन है पोखाल भात दिन, तो आज हम घर में भी वो मना रहे हैं। और आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया रहेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग को पता है इसके ऊपर और भी एक वीडियो बनाए थे हम पोखाल भात का, लेकिन उस टाइम वो दिवस नहीं था, लेकिन आज एक्चुअल में पोखाल दिवस है। और पोखाल दिवस में क्या क्या बनाकर खाते हैं आज हम लोग बना रहे हैं। मेरी जो वाइफ है चंदना, वो बना रहे हैं अभी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अपना बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखाने के लिए कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, अभी बन के रेडी हो गया है। ये है पोखाल भात, जिसको हिंदी में थोड़ा बोलते हैं पोखाल। ये लाल चावल का पोखाल भात है। इसमें करी पत्ता, नींबू और इसको तड़का मारा गया है। जो हम लोग का पंचफोरन है उसको देकर तड़का मारा गया। इसमें दही डाला जाएगा। फिर देखिए, ये बैंगन का चटनी, ये टमाटर का चटनी बिलाती का, और ये खीरा मतलब काकड़ी, प्याज, मिर्चा, और ये आलू का चोखा। अभी देखिए, आलू का चोखा को फ्राई किया जाएगा, क्योंकि फ्राई करने से और भी थोड़ा टेस्ट लगता है। और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है फ्राई वाला आलू का चटनी। और ये दोस्तों, हम नहीं, आज हमारा उड़ीसा में भी बहुत धूमधाम से लोग, उड़ीसा में जो हम लोग का उड़ीसा वासी है वो लोग भी आज मनाते रहेंगे पोखाल दिवस। हालांकि हम झारखंड में हैं, फिर भी झारखंड में रहते हुए भी हम लोग उड़ीसा का जो कल्चर है उसको नहीं भूले हैं। तो देखिए, दादी भी पूरा नहा धो के आ गए हैं, पूरा फ्रेश हो गए हैं। देखिए, बाल खुला छोड़ा है। उस दिन भी आपको दिखाए थे, दादी हमारा रोज़ साबुन लगा के बाल को पूरा साफ कर देते हैं। और चन्ना तो अभी अभी ड्यूटी से आए हैं, और देखिए बुबू वहाँ पर नहाने के लिए गई है अभी। तो अभी सब काम खत्म होने के बाद हम लोग खाने के लिए जाएंगे पोखाल, पोखाल दिवस में पोखाल खाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी आज बनाकर खाइए, आज नहीं तो कल बनाकर खाइए, लेकिन पोखाल दिवस मनाइए। ये बहुत ही अच्छा दिन है, और श्री प्रभु श्री जगन्नाथ जी को भी थोड़ा अच्छा लगे कि उनको याद करके ही ये सब बनाया जाता है। तो आप लोग भी बनाकर खाइए घर में अपना परिवार के साथ। ज़्यादातर लोगों को लगेगा, हंसेंगे कि क्या एक पोखाल दिवस बोल रहा है। नहीं दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा बात है, क्योंकि हम लोग का जो पुरी में श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं वहाँ पर सारा जगत को देख रहे हैं, उनके पास वो भोग लग रहा है पोखाल भात। आप इसको छोटा मोटा मत समझिए, हो सके तो घर में थोड़ा पाक साग से बनाकर श्री जगन्नाथ जी के पास भोग लगाकर आप लोग परिवार के साथ मिल के खाइए, देखेंगे आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये सच बात है। तो हम लोग का बहुत बड़ा भाग्य है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु हम लोग का उड़ीसा में ही है, और वो उड़ीसा का गौरव है। तो उन्हीं को ही ध्यान करके हम लोग ये सब पर्व मनाते हैं। तो लास्ट में इतना ही बोलूँगा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सब आप सब परिवार के साथ खुश रहिए। तो दोस्तों देखिए, हम लोग खाने के लिए रेडी हो गए हैं, और देखिए खाने में क्या क्या है। ये दही पोखाल, जो पोखाल दिवस है उसके लिए दही पोखाल। ये बैंगन का चटनी, ये टमाटर का चटनी, और ये देखिए ये मिक्सचर, खीरा, प्याज और आलू का चोखा। और देखिए चंदना भी उधर खाने के लिए रेडी हो गए हैं। और दोस्तों बहुत ही खुशी लगता है। देखिए अभी बुबू का शायद खाना ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि वो गर्म भात खाई इसलिए उसको सर्दी थोड़ा हुआ है, और दादी भी गर्म भात खा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग कंटिन्यू है। तो अभी हम लोग फटाफट खा लेते हैं, क्योंकि पोखाल भात देखने से ही जोर से भूख लगता है। तो बने रहिए दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए जगह में। तब तक के लिए बाय। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर